हाय एवरीवन, सो फ्रेंड्स, पिछले लेसन में मैंने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था, ओके, जिसमें मैंने सेल के बारे में बताया था। अब मैं टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको, ओके। सो टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। सो फ्रेंड, टिश्यू बेसिकली क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू, ओके। एंड सेल्स एंड टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। सो वी से दैट टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, ओके। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। नाउ देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। अगर हम बॉडी की बात करें फ्रेंड्स, तो बॉडी में बहुत से टाइप के टिश्यूज होते हैं, ओके। हम उनकी बात करते हैं आगे। ऑल द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर टाइप्स विच आर कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यू। जितने भी टिश्यूज आपके बॉडी के अंदर मेनली फॉर्म होते हैं, जो कि किसका बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होता है, ओके। तो ये जितने भी टिश्यूज होते हैं इनको हम फोर मेजर टाइप में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और जिसको हम मेनली कहते हैं प्राइमरी टिश्यू। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्राइमरी टिश्यू। सो द प्राइमरी टिश्यू इंक्लूड, अगर हम प्राइमरी टिश्यू की बात करें, ओके, जो फोर मेजर टाइप से मिलकर बने होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, फोर मेजर टाइप्स। पहला टाइप है आपका मसल टिश्यू। मसल टिश्यू है पहला टाइप, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी मसल्स आती हैं, स्केलेटल मसल्स आती हैं, स्मूथ मसल्स आती हैं एंड कार्डियक मसल्स आती हैं, ओके। सो ये जो मसल टिश्यू है, इसके अंदर आपकी तीन टाइप की मसल्स आई हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल, जो कि बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। नाउ सेकेंड टाइप का जो टिश्यू है वो कहलाता है नर्वस टिश्यू, ओके। और नर्वस टिश्यू में इंक्लूड क्या क्या होता है, नर्वस एंड सपोर्टिंग सेल्स, ओके। सपोर्टिंग सेल्स एंड नर्वस इसमें इंक्लूड होते हैं, किसमें, नर्वस टिश्यू में। तो प्राइमरी टिश्यू के दो टाइप तो हमने एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट था मसल टिश्यू, जिसके अंदर आपकी आती थी स्केलेटल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। एंड दूसरा था आपका नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर आता है आपका नर्वस एंड सपोर्टिंग सेल्स। अब हम थर्ड टाइप के टिश्यू की बात करते हैं, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, ओके। सो एपिथेलियल टिश्यू थर्ड टाइप का टिश्यू है, जो प्राइमरी टिश्यू के अंदर आता है, जिसके अंडर में आते हैं आपके स्क्वेमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। मेनली थ्री टाइप के एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वेमियस एपिथेलियल सेल्स, सेकेंड वन इज कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स एंड थर्ड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आती है। और फोर्थ टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो है कनेक्टिव टिश्यू, ओके। कनेक्टिव टिश्यू आपका के अंदर क्या क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी आता है, साथ में कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। बॉडी की बोन, बॉडी में जो कार्टिलेज जितने प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड होती है और कनेक्टिव टिश्यू खुद जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। सो ये फोर टाइप की मेनली जो टिश्यू है, ओके, ये मेनली मिलके आपका प्राइमरी टिश्यू बनाती हैं, ओके। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में। अभी तक हमने एक्सप्लेन किया आपको टिश्यू के बारे में, जो बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट थे रिलेटेड टू टिश्यू वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं बताती हूँ ऑर्गन्स के बारे में, ओके। एंड ऑर्गन्स इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय टू और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू, ओके फ्रेंड्स। अभी हमने बात की कि आपके प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू क्या होता है। प्राइमरी टाइप ऑफ जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर मेनली फोर टाइप के टिश्यू आते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया। तो जब भी दो से ज़्यादा प्राइमरी टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, ओके, तो
तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है मेनली ऑर्गन्स। जिस तरीके से सेल का ग्रुपिंग ऑफ सेल से टिश्यू बनती है, उसी तरीके से टिश्यू का दो होना या दो से ज़्यादा होने से आपका ऑर्गन फॉर्म होता है मेनली। ओके, सो एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय टू और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू विच एक्सक्यूट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। ओके, सो ये जो टिश्यू से आपका टू और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बना, वो फिर फाइनली ऑर्गन बनता है और फंक्शंस करता है अपने ऑर्गन का। सम ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल द फोर टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू। ओके, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि दो या दो से ज़्यादा जो टिश्यू है, प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू है, उससे मिलके आपका ऑर्गन बनता है। पर कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसमें कि चारों टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लाइक एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड बोथ टू ऑल्सो जो रहते हैं टिश्यू, वो चारों टाइप के जो टिश्यू है प्राइमरी टिश्यू वो इंक्लूड होते हैं और फाइनली ऑर्गन्स बनाते हैं। ओके, सो द ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली जो ऑर्गन्स होते हैं अब वो भी दो प्रकार के होते हैं। ओके, फर्स्ट ट्यूबुलर टाइप ऑफ ऑर्गन और दूसरा हॉलो ऑर्गन्स। ओके, कौन कौन से ऑर्गन हुए? ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन एंड कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन। ओके, सो ये दो टाइप्स के ऑर्गन मेनली फॉर्म होते हैं, ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन। मतलब ट्यूबुलर ऑर्गन को ही हॉलो ऑर्गन बोला गया है और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट ऑर्गन और पैरेन्काइमल ऑर्गन्स। कॉम्पैक्ट ऑर्गन को ही पैरेन्काइमल भी बोला जाता है। तो मेनली ये दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये जितने ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी में मेनली पाए जाते हैं, जो है ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर एक्सेट्रा। ओके, सो ये सब ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में मेनली पाए जाते हैं। ओके, जिसमें से कुछ ऑर्गन्स ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन होते हैं और कुछ कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेल की बात की थी, देन हमने किसकी बात की? टिश्यू की बात की, उसके बाद हमने ऑर्गन्स की बात की। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। जितना भी ऑर्गन सिस्टम होता है, ओके, जब ये सारे ऑर्गन एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि साथ में सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के लिए। वो जो पूरा प्रोसीजर है, जो एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गन का और वो एक फंक्शन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ओके, सो द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नाउ ईच सिस्टम्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम सिस्टम की बात करें तो हर एक सिस्टम जो बॉडी का होता है, ओके, वो हर एक सिस्टम का खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिक सिस्टम जो है वो ये है, मैंने आपको आज डेफिनेशन ऑलरेडी बस एक्सप्लेन की है सिस्टम की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे सिस्टम के बारे में और भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आज आपके लेसन में सिस्टम के, जो कि है फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कनेक्टेड विथ ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, सेकेंड है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एलिमिनेट अनवांटेड सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है फूड पार्टिकल से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है कि अनवांटेड सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करे। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट करे सब्सटेंसेस को बिटवीन द ऑर्गन्स। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसका बेसिकली काम क्या होता है? ऑक्सीजन का सप्लाई करना
और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना. ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज. तो ये एग्जाम्पल बताए हैं मैंने सारे सिस्टम का, जिसका हर एक सिस्टम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो आज के लेसन में बस इतना ही फ्रेंड्स. आगे मैं और कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट सिस्टम्स को और एक्सप्लेन करूँगी ब्रीफली. अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट योर क्वेरीज एंड फॉलो मी इन दिस लिंक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स.